आजमगढ़ जिले में पोखरे में नहाने गए तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गई। कंदरापुर थाना क्षेत्र के भोरा गांव निवासी 14 वर्षीय ललित यादव आज घर से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित पोखरे में अन्य बच्चों के साथ नहाने के लिए गया था। इसी दौरान पोखरे में तीनों किशोर डूबने लगे। पोखरे के बाहर बैठे एक अन्य किशोर ने तीनों को डूबता देख परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पोखरे में उतर कर तीनों किशोरों को बाहर निकाला और जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 14 वर्षीय ललित यादव, 12 वर्षीय हिमांशु यादव और 11 वर्षीय हर्ष यादव शामिल है। परिजन शव को लेकर घर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वो गए थे घूमने के लिए, वो पानी में फिर नहाने शुरू कर दिए उधर, और पोखरा नॉर्मल पोखरा था। कैसे वहाँ उधर नहाने के चक्कर में वो लोग का पैर स्लिप हो गया, अंदर डूब गए। अच्छा, क्या क्या नाम था इन बच्चों के? ललित यादव, हिमांशु यादव, हर्ष यादव। यही गांव के रहने वाले हैं? नहीं, हिमांशु हरिहरपुर गांव के हैं और एक भोरा के हैं और एक कहाँ के? महाराजगंज। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, बच्चे थे सब खेल, अपना खेलने कूदने में, नहाने में, क्योंकि गांव का माहौल है, बच्चे चले गए। एक नया पोखरा था, वो काफ़ी गहरा, लगभग 10 फीट के करीब था। उसमें जो है कि यहाँ दो बच्चे, जो तीन बच्चों की मौत हुई है, उसमें से एक बच्चा हमारे गांव हरिहरपुर का ही है और दो बच्चे यहाँ रिश्तेदारी में आए थे। एक अपने मौसियान में आया था, जो पीछे है हर्ष करके, और एक बच्चा जो है अपने ननिहाल में आया था, और एक बच्चा हमारे जो है, एक ललित यादव जो है वो आपका यहीं का है, हिमांशु हरियापुर का है। ललित जो अपने निहाल में आया था और हर्ष अपने मौसियान में आया था। कैसे सूचना मिली आपको? देखिए, वहाँ 4-5 बच्चे थे, जब ये बारी बारी से डूब गए एक दूसरे को बचाने के चक्कर में। पहले एक डूबा, उसको देखकर दूसरा, तीसरा उसको पकड़ने के चक्कर में, तो जो और बच्चे थे वहाँ से भाग कर आए हैं, गाँव में सूचना दिए हैं, गाँव से लड़के जो है और आदमी जाकर वहाँ जो है डेड बॉडी को निकाले हैं। फिर इसके बाद सदर अस्पताल लेकर गए हैं, वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, हम लोग लेकर घर चले आए। तीनों बच्चों के नदी में डूबने से घर में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीण के अनुसार एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों बच्चों की मौत हो गई। पंजाब केसरी के लिए आजमगढ़ से पितेश्वर कुमार की रिपोर्ट।